गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपका जो चैप्टर थर्ड है व्याकरण का वो पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों वचन। वचन क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये जानेंगे। आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, संज्ञा के बारे में पढ़ा। और संज्ञा किसे कहा जाता है बच्चों, संज्ञा कहा जाता है किसी भी नाम को, आप लोगों को पता है कोई भी नाम, चाहे वो नदी के नाम हो गए, फलों के नाम हो गए, या फिर किसी जगह के नाम हो गए, फूलों के नाम हो गए, या महीनों के नाम हो गए, या फिर दिनों के नाम हो गए, या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान किसी का भी नाम, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ नाम रखा गया, तो उन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है वचन किसे कहा जाता है, तो जो भी संज्ञा शब्द होते हैं बच्चों, जैसे अब मैंने यहीं पर आपकी बुक में देखिए लिखा हुआ है किताब। किताब क्या है, किसी वस्तु का नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। टोपी, टोपी किसी वस्तु का नाम है, ये भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ, ठीक है। तो इन्हीं की जो संख्या है, अब देखिए यहाँ पे एक किताब है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, किताब लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 चार किताबें हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, किताबें, ठीक है। यहाँ पे एक है तो किताब, और यहाँ पे चार है तो किताबें, ठीक है। यहाँ पे एक है तो टोपी, और यहाँ पे तीन है तो टोपियाँ, ठीक है। उसी तरीके से एक या अधिक, ठीक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक से अधिक है, ठीक है। उसके बाद संतरा, संतरे, लड़की, लड़कियाँ, मेज, मेजे, मुर्गी, मुर्गियाँ। तो वचन से क्या पता चलता है, वचन का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले वचन का अर्थ होता है संख्या, ठीक है, क्या होता है, संख्या होता है वचन का अर्थ। अगर एक है, वचन से एक या अधिक होने का पता चलता है, वचन से क्या पता चलता है कि वस्तु जो है, व्यक्ति जो है, वो एक है या एक से अधिक है, इससे वचन, ये चीज वचन से पता चलता है, ठीक है। वचन का अर्थ ही होता है संख्या, ओके। वचन से किसका अनुबोध, किसका पता चलता है, वचन से ये पता चलता है कि वस्तु या व्यक्ति एक है या एक से अधिक है, ठीक है, वचन से एक या अधिक होने का पता चलता है, ठीक है। वचन के भेद, अब आते हैं वचन के भेद, वचन के कितने भेद हैं, तो बच्चों वचन के दो भेद होते हैं, एक तो एकवचन और दूसरा बहुवचन, ओके। अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा किताब, किताब है, उसी तरीके से अगर एक नदी है, एक नदी है तो नदी, अगर एक से ज़्यादा नदी है, अधिक नदी की बात करेंगे तो नदियाँ हो जाएगा, एक बच्चा है तो बच्चा, अगर एक से ज़्यादा बच्चा है तो बच्चे, ठीक है। तो उस तरीके से वचन से ये पता लगाया जाता है कि जो वस्तु व्यक्ति एक है या एक से अधिक है, ठीक है। संज्ञा शब्दों की संख्या का पता चलता है उससे। अब देखिए वचन के भेद, तो वचन के मैंने बताया दो भेद होते हैं, एक तो एकवचन और दूसरा बहुवचन। एकवचन से एक का पता चलता है, और बहुवचन से एक से अधिक का पता चलता है, ठीक है। एकवचन में किसका पता चलता है, एकवचन में एक का पता चलता है, और बहुवचन में एक से अधिक का पता चलता है। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसके भेद तक, कि वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन, और वचन किसे कहा जाता है। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को एकवचन के बारे में, कि एकवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी। तब तक आप लोग इसे अच्छे से रीडिंग करेंगे कि वचन है क्या, ठीक है, ओके, थैंक यू।